हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यूपीपीसीएस 2020 का बैच लॉन्च करते हैं, पीटी स्पेशल, और हमारा हिस्ट्री पोर्शन चल रहा है आपका, जो कि पीटी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा आपका 21 जून 2020 को, ठीक है। तो उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, दो वीडियो में पहले ही आपकी डाल चुका था जो कि सोर्सेज थे, ठीक है। और आपसे कहा था कि मैंने कि हम डिटेल में एक एक सोर्स को पर एक एक सोर्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमें जो बात करनी है पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे हमें, उसमें आज हम बात करेंगे अभिलेखों के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आपके अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियां आती हैं, चित्रकलाएं आती हैं, मृद भांड आते हैं, ठीक है। तो हम वन बाई वन करके इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिलेख, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख, ठीक है, लेख साथ में क्या हो रहा है लेख आता है, लेख, लेख का मतलब लिखना। लिखने से मतलब है कि जो पुराने जमाने के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं। अब लिखे हुए प्राप्त हमें हुए हैं वो भिन्न भिन्न चीज़ों पर प्राप्त हुए हैं, जैसे मोहर होती हैं, प्रस्तर स्तंभ होते हैं, स्तूप होते हैं, चट्टाने होती हैं, ताम्रपत्र होते हैं। जिस भी काल में जिस भी राजा ने या जो भी रहा हो उसने कुछ ना कुछ अंकित करा हो अपने राजनीतिक क्षेत्र को लेकर या आर्थिक क्षेत्र को लेकर, सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर, तो शायद उसने कुछ ना कुछ अंकित करा हो, और वो अंकित करी हुई वस्तुएं जमीन में दफन हो गई होंगी। अब उनसे हमने जब हमने खुदाई करी तो हमें वो चीज़ मिली, ठीक है। तो उनसे हमने स्टडी करी और उस काल के बारे में एक अनुमान लगाया। प्रमाणिकता के रूप में हम कुछ नहीं कहते, ठीक है, एक हमने अनुमान लगाया। तो ऐसी सभी चीज़ें जिन पर हमें कुछ ना कुछ अंकित मिला हुआ लिखा हुआ है, अंकित चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, वो सभी किस में के अंदर आती हैं, अभिलेख के अंदर आती हैं, क्लियर। आगे देखो, ये तो हो गया अभिलेख कि अभिलेख होता क्या है, ठीक है, जो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अभिलेख के प्रकार, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेखों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा गया है, तीन प्रकारों में बांटा गया है, जिसको अधिकतर हमें मिलते हैं, ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक है। ये हो गए हमारे अभिलेख के तीन मुख्य प्रकार जिनको हमें डीपली स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। और अभिलेखों को अधिकतर हम पढ़ेंगे तो अशोक के काल में अधिकतर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेखों को देखते हैं। पहाड़ों को काटकर जो चीजें तैयार की जाती थी, पहाड़ों को काटकर जो चीजें तैयार की जाती थी, तैयार से मतलब जो उन पर गुदवाया जाता था, लिखा जाता था, वो शिलालेख होते थे, ठीक है। शिलालेख एक और भी प्रकार के होते हैं, वो होते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। तो पहले हम शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। मान के चलो कोई पर्वत की पर्वत है और पर्वत पे हम कुछ अंकित करवा देते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सभी पर्वतों पे अंकित हो सकता है, कुछ जो सीधे होते थे जिन पर कुछ लिखा जा सकता है, जैसे कि कुछ की आकृति शायद कुछ कहीं एरिया दीवार की तरह हो, एकदम प्लेन हो, तो हम आसानी से उस पर कुछ भी अंकित करवा सकते थे, या थोड़ा बहुत उभरा हो और उसको अंकित करने लायक बना लिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे पर्वतों की आकृति बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके बाद शिलालेख के बाद जब ऐसे पर्वतों की, क्योंकि ये पर्वत पे अंकित होते थे, कौन से शिलालेख जब पर्वत पे अंकित होते थे, ऐसी पर्वतों की जो संख्या थी बहुत कम थी, इसलिए हमने इजाद करे कौन से, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होते थे पत्थर को लेकर उसको काट कर, चौकोर काट कर उस पर कुछ अंकित कराना और उसको कहीं पर भी गाड़ देना, ठीक है, वो क्या होता था स्तंभ लेख। पर्वत पत्थर को उठाकर उसको अंकित कर उस पर उसको चौकोर बनाना, जैसे कि हमारे तुमने देखा होगा पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी मिल जाते हैं कंक्रीट के, मिल जाते हैं पिलर, उसके तरफ लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके की कुछ सिमिलर, जैसे कि मैंने आकृति में बनाया हुआ सिमिलर एकदम चौकोर टाइप में बना के उस पर अंकित कर देते थे। राजा जो भी अपने बारे में बताना चाह रहा है, अपने प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताता था, वो उन स्तंभ लेखों पर अंकित करा के उसको गाड़ दिया जाता था। स्तंभ लेख की संख्या हमें ज़्यादा मिलती है, क्यों, क्योंकि उसको
ले जाने में और कहीं पर भी गाड़ने में आसानी होती थी, उसको कहीं भी ले जाने में और उसको गाड़ने में आसानी होती थी, ठीक है। तो इसलिए हमें स्तंभलेख की संख्या भी अधिक मात्रा में मिली है अपेक्षाकृत शिलालेख और अपेक्षाकृत गुहालेख की अपेक्षा, ठीक है। तो दो हो गए आपके, एक हो गया शिलालेख हो गया आपका और एक हो गया आपका स्तंभलेख। अब अगला आता है गुहालेख, ठीक है। तीसरा प्रकार गुहालेख। गुहालेख क्या होते थे? गुहालेख होते थे पत्थरों को काटकर उसमें गुफा बनवा दी जाती थी। किसके लिए और कौन बनवाता था? बनवाता था राजा, जो भी उस समय का उस दौरान का राजा होता था वो उनके लिए गुफा बनवाता था। और गुफा किसके लिए बनवाता था? वो बनवाता था गुफा भिक्षुओं और संतों के लिए। भिक्षुओं और संतों के लिए गुहा जो है बनवा दी जाती थी। और उस गुहा में क्या होता था? जो भी राजा दान देता था या जितना भी दान वो दिया करता था, एक तो दानकर्ता का नाम लिखा जाता था उसमें और कितना दान, किस किस प्रकार का दान दिया जा रहा है वो सब उसमें लिखा जाता था, ठीक है। तो ये होता था इन दोनों के अंदर। तो कौन बनवाता था? दानवीर और धार्मिक सहिष्णु राजा इनको बनवाया करते थे। किस लिए बनवाते थे? वो अपने बारे में आगे जानकारी, अगली पीढ़ी को जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो दान अपने बारे में लिखते थे कि कितना दान दिया उन्होंने, ठीक है, और दानकर्ता के बारे में इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते थे वो, ठीक है। अब देखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन प्राकृत लिपि और ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना जरूरी है, क्योंकि उस दौरान के जब हम जिसके हम बात कर रहे हैं, अधिकतर जो भी अभिलेख मिले या फिर ये कह सकते जो भी अभिलेख मिले हमें, वो किस में मिले? हमें अधिकतर इन लिपियों में मिले। कौन कौन सी लिपियाँ हैं ये? प्राकृत लिपि। प्राकृत लिपि एक तो लिपि है ही, तब प्राकृत लिपि एक व्यवहारिक लिपि थी। जैसे आज कल हम हिंदी को बहुत ज़्यादा व्यवहारिक मानते हैं अपने भारत में, और वर्ड परिप्रेक्ष्य में किसको ज़्यादा मानते हैं व्यवहारिक? इंग्लिश को मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्राकृत भाषा जो है उस दौरान बहुत ज़्यादा चलन में थी। प्राकृत भाषा, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषाओं में अधिकतर पाए गए हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषाओं में अधिकतर पाए गए हैं। अगला है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अधिकतर प्राकृत के साथ साथ ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं, ठीक है। अगर अशोक के अभिलेख की बात करी जाए, कभी मेरे सेंटेंस को आप घुमा के देखो, तो अशोक के अभिलेख अधिकतर मिले प्राकृत भाषाओं में, लेकिन अगर उसके बाद देखो तो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख किस में प्राप्त होते हैं? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि की खासियत थी, ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, जैसे कि हमारी हिंदी लिखी जाती है उल्टी तरफ से सीधी तरफ की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में भी पाए गए हैं। खरोष्ठी लिपि को आप तीसरे नंबर पर लिखोगे, ठीक है। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि जो लिखने का तरीका था वो था दाएं से बाएं की तरफ, अधिकतर जो लिखी गई थी बाएं से दाएं कौन लिखी गई थी? वो लिखी गई थी ब्राह्मी, और जो लिखी जाती है खरोष्ठी वो लिखी जाती है दाएं से बाएं, मतलब सीधे से उल्टी तरफ लिखी जाती है। अब देख लेते हैं अगला, यूनानी एवं आरामाइक लिपि। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से अशोक के जो कुछ अभिलेख प्राप्त हुए उसके ऊपर प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुछ अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, वहाँ से हमें आरामाइक, जो कि अभिलेख हमें आरामाइक लिपि में प्रयुक्त मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं, लास्ट में वीडियो फिनिश होने वाली है तो लास्ट में हम देख लेते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है? प्रलेख शास्त्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन किस में किया जाता है? एपिग्राफी में, पुरालेख शास्त्र में, ठीक है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ पर पाया गया था? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, ठीक
ठीक है। तो ये था हमारा अभिलेख, अभी अभिलेख फिनिश नहीं हुआ है, अभिलेख मुख्य मुख्य जो अभिलेख हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके स्टडी ग्रुप जो